अल्लाह वेलकम टू माई अनदर न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी लोग मैं बिल्कुल ठीक अलहमदिल्ला खैर से हूँ आज जो है मैं अपना वीडियो शेयर काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो लोग जानते हैं मैंने अपना वीडियो पिछला जो शेयर करा था आप लोग जानते हैं कि मैं जो है तैयारी करी थी पाकिस्तान जाने की तो जी यहाँ पर तैयारी भी चल रही है घर के काम भी चल रहे हैं साथ साथ और जी पढ़ाई भी चल रही है स्कूल की तो वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो बना रही थी छोटे छोटे क्लिप बना रही थी लेकिन जो है एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था आपको पता है सारा टाइम जो है वो एडिटिंग का है और वो ही नहीं मिल पा रहा था तो जी यहाँ आपको पता है दो दिसंबर भी आने वाला है तो जी दो दिसंबर से पहले स्कूल वालों ने जो है ना यू ही नेशनल डे पहले सेलिब्रेट कर लिया था थर्सडे वाले दिन तो जी यहाँ बच्चे स्कूल से आए थे तीन बजे का टाइम था तो बच्चे स्कूल से आए थे मेरा जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका था बच्चे स्कूल से आने के बाद मैंने बच्चों को जो है खाना वाना खिलाने के बाद जो है उनको सुला के और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि खाना भी मैं जल्दी बना लूँ ताकि जो है जो बाकी के काम हैं वो फिर मैं वो कर सकूँ तो जी यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव मटन पुलाव बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है कि अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए बगैर बताए तो आप जो है इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं अगर आपके पास ये गोश्त अवेलेबल है तो तो जी बहुत ही इजी रेसिपी है इसमें कोई मसाले वसाले ऐड नहीं करने ये जस्ट गरम मसालों का कमाल है तो जी चलते हैं हम आप आपको अपनी रेसिपी लेके तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ पहले यखनी तो यखनी के लिए हमें लेना है गोश्त इसमें जो है आपने आधा जग या एक जग के बराबर जो है पानी इसमें शामिल करना है उसके बाद आपने लेना है एक प्याज प्याज को कट करके आ, मोटा काटें या पतला काटें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो है प्याज कट करना है और जी इसमें दो से तीन अदद लहसुन के जवे शामिल करने हैं और इसमें लेना है आपने सौफ़ और धनिया साबुत धनिया लेना है एक एक चमचा ठीक है जी उसके बाद आपने लेना है तेज़पत्ता और जी नमक इसमें ऐड करना है आ, अभी इसमें नमक हमें इतना ऐड नहीं करना क्योंकि हमें चावलों में भी आगे ऐड करना है तो इधर आपने जस्ट नॉर्मल रखना है ताकि थोड़ा सा टेस्ट पता चले यानी एक से डेढ़ चमचा आपने इसमें नमक ऐड करना है और गोश्त को गलने के लिए रख देना है तो जी जिनके घर में प्रेशर कुकर है उनके घर में तो बहुत ही जल्दी गल जाता है फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं और ये मटन मटन जो है आपको पता है जल्दी गल जाता है तो मैंने जो है ना पतीली में चढ़ा दिया था और ये जो है ना मुझे आधा घंटा लगा था क्योंकि मैंने स्लो स्पीड में रखा था क्योंकि मुझे आगे और भी काम करने थे तो इस वजह से मैंने इसको स्लो स्पीड में रखा था तो आधे घंटे में गोश्त गल के रेडी हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना चावलों की प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी थी जो चावल प्रिपेयरिंग के लिए हमें लेना है घी घी जो है ना हमें इसलिए लेना है घी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा होता है पुलाव में स्पेशली अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप घी का यूज़ करेंगे ना तो आपको वाकई में बहुत ही टेस्ट भी आपको अलग लगेगा और इसके जो पकने के बाद जो खुशबू होगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी पकने के बाद तो जी घी लेना है मैंने घी लिए थे दो चमचे के बराबर तो घी लेने के बाद मैंने इसमें एक अदरद प्याज ऐड करी थी और फ्राई करने के बाद ब्राउन करने के बाद वो मैंने डिश आउट कर दी थी और मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था उसके बाद मैंने जो है इसमें गरम मसाला सारा ऐड करा था गरम मसाले में क्या ऐड करा है मैंने ज़ीरा काली मिर्च लौंग तेज़पत्ता दालचीनी बड़ी इलायची और जो है अदरक लहसुन का पेज शामिल करके मैंने इसको अच्छे से भूना भूनने के बाद मैंने लिया है इसमें एक कप के बराबर योगर्ट योगर्ट मैंने अच्छे से फेंट के इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भुना भुनाई करी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें क्योंकि कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करे थे तो इसमें मैंने थोड़ी सी मैंने सोचा कि इसमें मिर्चें ऐड हो हरी मिर्चें ऐड कर दूं तो हरी मिर्चें मैंने इसमें पाँच से छः आदरद बीच में से कट लगा के और मैंने इसमें शामिल कर दी थी उससे जो है ना वो थोड़ा सा हल्की सी मिर्चों का टेस्ट आने लगता है चाहे तो आप योगर्ट में जो है ना हरी मिर्च को जो है ना ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं ताकि हल्का सा जो है ना इसमें मिर्चें पता चले मैंने बच्चों की वजह से इस ग्राइंड नहीं करी थी क्योंकि उसमें जो है ना टेस्ट आ, मिर्चों का भी आता है तो बच्चे जो है आपको पता है सादा पसंद करते हैं हर चीज़ उनको मिर्चें इतनी पसंद नहीं है तो इस वजह से मैंने योगर्ट में मिर्चें पेस्ट नहीं करी थी मैंने योगर्ट अलग डाला था और मिर्चें इसमें अलग डालेंगे उसके अलावा जो है मैंने इसमें शामिल करा गोश्त गोश्त जो है वो मैंने इसमें ऐड करा है गोश्त जो है ना आपने ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा गला देंगे तो यहाँ जब आप पकाएंगे तो वो बिल्कुल ही हलवा और चूरा चूरा हो जाएगा तो याद रखिएगा गोश्त को आपने नॉर्मली रखना है ठीक है जी गोश्त जो है जब गल गया था तो मैंने इसमें ऐड करा था बुनाई करी थी गोश्त के साथ उसके बाद चावल जो है वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे भिगो जब मैंने यखनी स्टार्ट करी थी तो मैंने पहले चावल भी भिगो के रख दिए थे चावल आधा से एक घंटा मैंने भिगो दिया था उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है यखनी जो यखनी गोश्त की मैंने तैयार करी थी पानी नहीं लेना है आपने यखनी इसमें ऐड करनी है अच्छा जी यखनी आप जो है वो पीने में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए हेल्दी है बहुत ही जो लोग जो है ख़ास तौर पर जो वुमेन हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यानी आप इसको विंटर में अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए तो अगर आप जब भी बना रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा बना सकते हैं ताकि आप ख़ुद भी पी लें और अगर आपने अपने बच्चों को पिलाना है तो बच्चे को भी पिला सकते हैं तो जी यहाँ मैंने ये सारी यखनी इसमें ऐड कर दी थी उसके अलावा जो है यखनी ऐड करने के बाद मैंने जो है ना चावल को पकने के लिए रख दिए थे और जो है नमक मैंने वहाँ पे जो है ना आपको पता है मैंने कम डाला था क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डालती तो फिर मैं यहाँ ऐड नहीं करती तो मैंने जो है चावलों में भी ऐड करना था नमक पहले मैंने टेस्ट करा था कि नमक मेरा ज़्यादा तो नहीं है जब मैंने नमक टेस्ट करा तो जो है नमक फीका था बिल्कुल तो मैंने इसमें पर नमक और ऐड करा अभी मेरा नमक बिल्कुल बराबर से है तो जी यहाँ मैंने चावल को जो है पकने के लिए रख दिए थे और जी जब चावल का जो आपका जब पानी जो है थोड़ा रह जाए तो आपने चूल्हे की जो स्पीड है ना वो स्लो कर देनी है तो बिल्कुल पानी आपने ड्राई नहीं करना है क्योंकि तो अगर आप पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे ना तो आपके जो चावल है ना वो बिल्कुल ड्राई बनेंगे और जब आप खाएंगे ना वो बिल्कुल सूखे सूखे से लगेंगे और बाद लोगों के जैसे खाने में अटकते हैं ना तो वो चीज़ नहीं होगी आपने जो है ना पानी जो है ना थोड़ा सा रखना है और फिर स्पीड में हल्की स्पीड में ना आपने दम पर लगा देना है दम पर लगाने के बाद आप ने जो है ना ये जो प्याज आपने फ्राई करी थी ना स्टार्ट में वो आपने इसके ऊपर से गार्निश करनी है और इसमें फूड कलर ऐड करके और इसको पाँच मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है तो जी ये थी हमारी रेसिपी और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है इसमें काफ़ी कोई देर नहीं लगी है और काफ़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है बहुत ही टेस्टी बनी इसके साथ मैंने बनाया था चटनी आ, कुछ लोग रायता यूज़ करते हैं कुछ लोग चटनी यूज़ करते हैं तो जो भी आपको पसंद हो वो आपकी चॉइस है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने बनाई थी चटनी चटनी बनाई थी मैंने टमाटर और लहसुन की टमाटर मैंने शामिल करा था एक हजद और एक से दो जड़े मैंने लहसन के पीस लिए थे और हरा धनिया शामिल करा था इसमें जीरा शामिल करा था कुटी हुई मिर्च शामिल करी थी एक से डेढ़ चमचा और इसमें नमक ऐड करा था और आध आद, आधा गिलास पानी इसमें शामिल करके ना इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है तो जी ये हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है हमारा खाना भी रेडी हो चुके हैं तो जी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी बहुत ही सिंपल सी है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी और जी बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया आप लोग जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो जी आप लोगों का जो है मैं बहुत ही शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जी इसी तरह मुझे वॉच करते रहिएगा और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा क्योंकि आप लोगों का एक एक व्यूज़ मेरे लिए बहुत ही कीमती है तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को वॉच करा करें ताकि जो है मेरे जल्दी से थाउजेंड सब्सक्राइब और फोर थाउजेंड वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो जी हमारा यहाँ सारा काम कंप्लीट हो चुका था खाना भी हमने खा लिया था तो उसके बाद हम, हम बाहर निकले थे और मुझे पार्लर जाना था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पार्लर नहीं गई मुझे दो तीन महीने से ऊपर हो गया था तो पार्लर मैं सिर्फ़ आईब्रो के लिए जाती हूँ बाकी जो जितने भी काम होते हैं वो मैं खुद ही कर लेती हूँ फेसल मैनीक्योर पेटिक्योर ये सब मैं ख़ुद कर लेती हूँ मैंने सब कुछ सीखा हुआ है और मेरे पास सामान भी है तो मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ तो यहाँ मैं गई थी आईब्रो के लिए तो बहुत ही अच्छा था इंडियन थे इंडियन का था किसी का पार्लर इंडियन सारे थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छे थे तो जी यहाँ पैकेज था दिसंबर की वजह से जो दो दिसंबर है ना उसकी वजह से यहाँ पे पैकेज चल रहा था तो जी फिफ्टी धर्म में मुझे अच्छा पैकेज मिला था उसमें आईब्रो अपर लिप्स और जी क्लिनजिंग्स इसमें इंक्लूड थी तो जी फिफ्टी धर्म का मुझे बहुत ही अच्छा पैकेज लगा तो मैंने सोचा ये जो है मैं पैकेज यूज़ करूँ तो जी मैंने जो है ना पैकेज का फ़ायदा उठाया बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि फिफ्टी जन्म में अक्सर पार्लर में जो है ना सिर्फ़ आईब्रो बनती है तो मैंने कहा मैं सही जगह पर आई हूँ क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना मुझे डिफरेंट डिफरेंट पार्लर मिलते हैं तो यहाँ मैं आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं यहीं जाऊँगी तो जी आने के बाद बच्चे लग गए थे खेल में क्योंकि छुट्टियाँ थी फोर डेज़ की तो ये तो खेल में लग गए थे तो जी ये थी हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी और ये व्लॉग कैसा लगा और जो है नए जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो ईज़िली मिल सके तो जी चलते हैं इजाज़त दीजिए ताला फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ अल्लाह हाफि फैयाबानुल्ला